ये वाली फॉर्च्यूनर भी नहीं चढ़ रही है, सफारी हमारी नहीं चढ़ रही है, और इस पे देखो वेट डाल रहे हैं। तो भाई लोग जो है वेट डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि इसको चढ़ा सके। भाई हट जाना, फ्लो में आएगी, हट जाओ फ्लो में आएगी। आ जाओ, बहुत बढ़िया, निकल रही है। ये देखो भाई, हट जाओ। ये देख रहे हो, ये टायर मार रहा है स्लिप, ये बहुत ज़्यादा स्लिप मार रहा है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। माई नेम इज अनिरुद्ध, यू आर वॉचिंग रुद्र शूट्स, और ये है पीछे रूम। उठ चुके हैं बढ़िया। ये जो लाइट आप देख रहे हो अभी सामने की है, पहले व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दिस, वाओ। तो ये है व्यू रूम से, और अभी टेरिस पे चल के आपको दिखाता हूँ। वो दिस इज द टेरिस व्यू, मैन लुक एट दिस। वेलकम टू कश्मीर। सो करेंटली देखो हम हैं शिकारा पे, और हमने जो है हाउस बोट देख लिए हैं और पीछे बुक करके आ गए हैं, डन कर दिया है। अभी मैं व्यू नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले हमारा प्लान है हम जा रहे हैं गुलमर्ग। गुलमर्ग के लिए टैक्सी हमने कर ली है, बस यहाँ से निकलते हैं। और साजिद भाई हमारे जो है वो अभी चला रहे हैं शिकारा, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। पहले गुलमर्ग से जाके आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हाउस बोट कैसी है, और सब कुछ इंजॉय करो आज के दिन में, बस बने रहो। तो हम लोग निकल गए, देखो कश्मीर की सड़कों पे, बाहर अभी ढूंढ रहे हैं कुछ खाने को मिल जाए। ये है साथ में दल लेक, और अभी कुछ खाते हैं, और इसके बाद हमारा प्लान ये है कि हमने कर दिया है गुलमर्ग के लिए बुक। तो गुलमर्ग के अभी निकल रहे हैं, और मतलब पहले यहाँ से अपने व्हीकल में गुलमर्ग तक जाएंगे, उसके बाद वहाँ से जो है टैक्सी होगी। तो देखो अभी हमने खाना पीना तो वहाँ खा लिया, यहाँ से हम कर चुके हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ अभी ले रहे हैं थोड़ा सा सामान, तो सामान जो है यहाँ से जैसे जैकेट्स होगी, क्योंकि गुलमर्ग में ऊपर जो होगी ठंड, यहाँ से जैकेट ले रहे हैं। सफारी वहाँ खड़ी हुई है अपनी, और बस यहाँ से अभी आगे निकल जाएंगे। तो ऑलराइट पीपल, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो यार अब पता है अभी हमने क्या किया, बाइक हमने कर दी वहाँ पार, क्योंकि गुलमर्ग में ऊपर जो है बाइक शायद नहीं जा पाएगी। जहाँ तक जाएगी सफारी जाएगी, वहाँ पे भी स्नो चेंज चाहिए हैं, तो मतलब हमने बात की है, तो वहाँ से शायद हमें एक टैक्सी लेनी पड़ जाए। इस वजह से अब यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे। थोड़ा सा हमने अनकम्फर्टेबल होकर सारे बंदे एडजस्ट कर लिए, थोड़ी सी दूर, मतलब यहाँ से 48 किलोमीटर, कितना है, 50 किलोमीटर के आसपास है टनमर्ग। टनमर्ग है, टनमर्ग से फिर हमें चेंज करना है आगे, फिर वो चेन वाली गाड़ी मिलेगी, उसके टायर पे चेन लगा वो, जो हमें ऊपर गुलमर्ग तक लेके जाएगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर के आसपास जो है टनमर्ग तक हमें जाना है, वहाँ तक सफारी जा सकती है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं, शायद ऊपर स्नो है, उसके बाद हमें स्नो चेन वाली कोई टैक्सी करनी पड़ जाएगी ऊपर तक। देखो इधर घर देखो, कितने मस्त लग रहे हैं ये वाले, शेप बढ़िया है पता है घर, ये देख के ना एकदम पुराने वाली फील नहीं आती, एकदम भाई बर्फ। तो जहाँ पे कल हम रुके थे ना, जब हम आ रहे थे, तो बंदे बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि यार बहुत खतरनाक है, आप इस टाइम जा रहे हो, इस टाइम सीजन नहीं है, ऐसी बातें कर रहे थे। रहते हैं थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा हाई भी बंदे बनाते हैं, क्योंकि उनके रूम्स वगैरह भी होते हैं ना यहाँ पे, सेटिंग होती है। जैसलमेर गए थे, पर हेड बिलीव करोगे कितना टेंट का ले रहे थे, सैंड ड्यून्स का, वो सम विलेज में 5,000-6,000 पर हेड। जब हम वहाँ पहुंचे, पता है कितने में हमने नेगोशिएट किया, 1,100 में, जिसमें सब कुछ इंक्लूड था। अच्छा, डिनर, स्टेइंग, डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, सनराइज, सनसेट। तो इससे एक चीज तो है कि देखो, अगर आपको कोई भी बुकिंग करनी है, जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, आप डायरेक्टली अगर ऑनलाइन बुक कर लोगे तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। और ऑल्दो आई अंडरस्टैंड, अगर आपको एक फैमिली और बड़े ग्रुप के साथ जा रहे हो, प्रोफेशनली कर रहे हो, नो इश्यूज, आप कर लो बुक। बट अगर आप ऐसे हो, आप बजट भी देखना चाहते हो, बजट ट्रैवलिंग के हिसाब से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पहुँच जाओ, अच्छा ऑप्शन आपको वहाँ जाके एक्सपीरियंस हो सके। ये क्या चल रहा है, ये कुछ पता नहीं, कुछ कर रहे हैं क्या, पता नहीं किस चीज का धुआं है, ये हट गया,
जबरदस्त। अच्छा कोई यहाँ से निकला होगा स्पीड में इसके ऊपर से चढ़ा के। यार मुझे तो इधर के घर कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो उधर है ना ये वाले जो बने हुए हैं, इनके फार्म हाउस हैं यार, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे रेलवे ट्रैक ये जा रहा है, ये ट्रैक कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है। जेके टूरिज्म वेलकम्स यू। अब आगे देखो ढेर सारी बर्फ, ये देखो ऊपर शॉप्स के ऊपर भी है। नाइस देखो, वाह वाह देखो, ओए कितना सुंदर, नीचे देखो जरा घर देखो यार, क्या बात है क्या बात, सब एक जैसे लग रहे हैं ना, कितना सही। धीरे धीरे देखो स्टेप फॉर्मेशन में भरने लग गया ना भाई, बर्फ मिलना हो गई है शुरू, बहुत बढ़िया, इसी की जरूरत थी। बाहर पता नहीं बाहर यहाँ से दिख रहा है, बाहर भी दिख रहा है यार, क्या बोलती रे पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, वादा किया था ना पूरा कर दिया। तो हमने कहा था स्नोफॉल का व्यू आने वाला है, और देखो बस थोड़ा सा और रुक जाओ, अच्छे से आने वाला है। कैश ये संभाल के रखना, नहीं सर ये टू साइड है मगर आगे दिखाना है, आगे दिखाना बीच में, हाँ ठीक है भाई, फोर बाई फोर गाड़ी है। तो टंगमर्ग में आपको 50 रुपीज का ये मिलेगा स्लिप, ये आपको एंट्री पे करना पड़ेगा, इसके बाद आगे 4x4 व्हीकल है तो वो आगे जाएगा, नहीं तो 4x2 या कोई और, तो आपको स्नो चेन लगाना पड़ेगा। आप सिचुएशन ऊपर जाके देखते हैं, बाकी वो कह रहे थे कि डिपेंड भी करता है ना कि आप चलाते कैसे हो, कहाँ कहाँ आप जा चुके हो, बोल तो रहे थे लेकिन फिर भी मस्ट है आगे जाके। अब और पता चल जाएगा रोड पे कैसा आएगा, स्नो बहुत ज्यादा है क्या है, तो गुलमर्ग पार्किंग तक जाएंगे, उसके आगे देखते हैं क्या करता है। ये देखो आगे ये स्नो चेन लगा हुआ है, ऊपर के लिए हम निकल गए अभी, और बर्फ देखो यार, हाँ सफारी सबको लगता है 4x4 है, ये देख रहे हो, ओए होए 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 होए, ओहो यहाँ पूछ लेते हैं, देखो सामान टंगा है, स्नो चेन भी मिलता होगा टंगमर्ग। गाइस अपडेट ये है कि स्नो चेन अभी तक रिक्वायर्ड नहीं है, आगे का जितना भी है हमें कोई भी ज्यादा स्नो नहीं दिख रही है। थोड़ा सा आगे और निकलते हैं टंगमर्ग से, मुश्किल से अभी 1 किलोमीटर भी नहीं निकले, देखते हैं जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, आगे जा पाते हैं नहीं, अभी तक तो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। अब तो पेड़ों पे भी बर्फ मिलने लग गई है यार, देखिए बर्फ बढ़ रही है, ऊपर जाकर तो कुछ बढ़ेगी, ओ माय गॉड वापस बढ़ रही है। हैप्पी न्यू ईयर, वाओ। तो बारामूला के लिए आप जाओगे राइट और गुलमर्ग के लिए सीधा, तो बारामूला आपने बहुत सुना होगा। ओ नीचे देखो इतनी हाइट पे भी हम आ चुके हैं, उधर देखो यार वाओ, कोई नहीं अपना पैसा वसूल हो गया भाई। हाँ यार बहुत बर्फ देख ली, बर्फ चाहिए थी, देखो यार बर्फ देखो जनता, YouTube वाली बर्फ देखो कितनी बर्फ निकाल के गिला देते हैं, देखो पूरी वैली देखो यार, उधर धूप है, वो वाला पीक देखो क्या शाइन मार रहा है, सामने देखो पीक्स, नाइस खूबसूरत खूबसूरत। अब देखो रोड पे जिसकी हम बात कर रहे थे वो आ चुका है, इतनी सारी बर्फ, तो यहाँ के लिए स्नो चेन की जरूरत है। अभी तक तो मतलब ऊपर वाले की दुआ से ना किसी ने रोका है ना कुछ है, क्योंकि बाकी सारी गाड़ियां भी आ रही हैं, और ये देखो इतनी बर्फ हो चुकी है, देख रहे हो ना सब कुछ जैसे मैंने बताया बिल्कुल फ्रेश, हमारे लिए भी आपके लिए भी, हमें नहीं पता है, हमने कोई बुकिंग नहीं की है, कोई स्टडी नहीं करी है, बस हमने गाड़ी उठाई अनप्लान्ड सा एक ट्रिप ली कश्मीर की और चले आए, तो जो भी हम देख रहे हैं वो आप देख रहे हो साथ साथ। देखो आप इन्हें तो जानते हो, हु इज ही, शिव, और कहाँ आए हैं, शिव टेम्पल। यहाँ पे देखो ये वाली पर्ची आपको एक मिलेगी 50 की, ये आप ले लेना, और इसके बाद अगर आपकी 4x4 या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आगे ले जाने में व्हीकल, यहाँ पार्क कर देना, गुलमर्ग की पार्किंग ये है यार सामने, वो देखो और हमारे लोगों के मुंह देखो यार सामने देखो यार, वाव मैंने मरी नहीं नहीं जिंदा रहना, विटनेस करने के लिए मर मत जाना। तो फाइनली देखो गाइस सीन ऐसा है कि हम आ गए हैं गुलमर्ग, हमने एक अपनी व्हीकल कर दिया है पार्क, पीछे जो आप देख रहे हो अभी शूज वगैरह ले रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें, अभी हमें ATV लेनी चाहिए, जो वो वाली गाड़ी आप देख रहे हो ATV वो, या फिर ये ATV जो जा रही है ये लेनी चाहिए, या फिर स्लेज, तो दोनों चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं, बस अब फन करते हैं यहाँ से फन। तो देखो करंटली सीन ये सनसेट हो चुका है वहाँ पे पीछे, और हमने अभी ये पहन लिया है, ठीक है अब स्टार्ट करते हैं अपना स्कीइंग, चलो। Tell me.
आज का दिन जो है ऑलमोस्ट हमने खत्म किया गुलमर्ग में, और अब जो है हम चल रहे हैं बोट हाउस पे। अनफॉर्चुनेटली ये जो पीछे आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, सो आई एम सो सॉरी नहीं उड़ा सकते। वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा पार्ट में शूट नहीं कर पाया। ये जो आपको दिख रहा है ये है इनका पुलिस स्टेशन, पुलिस चेक पोस्ट, और यहाँ पे आप जो है नहीं कर सकते मतलब शूट। तो उन्होंने हम गए थे परमिशन लेने के लिए वहाँ पे, उन्होंने साफ मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, इस बार की सीरीज में हमारे ड्रोन शॉट कम होंगे, लेकिन यार दिस इज कश्मीर। अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट पे, सफारी तक आ गए यहाँ पे। और ये है अपनी सफारी 4x2। 4x2 का मतलब इस वाले टायर में है पावर, और ये वाला टायर जो मार रहा है स्लिप, तो अभी हमें इसमें वेट डालना है, बंदे हमारे बैठेंगे ताकि आगे निकल सके। ये वाली फॉर्च्यूनर भी नहीं चढ़ रही है, सफारी हमारी नहीं चढ़ रही है, और इस पे देखो वेट डाल रहे हैं, तो भाई लोग जो है वेट डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि इसको चढ़ा सके। भाई हट जाना, फ्लो में आएगी, हट जाओ फ्लो में आएगी। आ जाओ, बहुत बढ़िया, निकल रही है। ये देखो भाई, हट जाओ। ये देख रहे हो, ये टायर मार रहा है स्लिप, ये बहुत ज़्यादा स्लिप मार रहा है। पीछे देख के अपनी गाड़ी जो है नीचे फंस गई है, तो और कोई हेल्प मिली नहीं। इलियास भाई मिले, ये देखो पीछे अपने साथ इलियास भाई हैं, इन्होंने बोला है कि ये जुगाड़ करके रस्सी वस्सी लगा के निकाल देंगे, गाड़ी निकाल देंगे रस्सी से, आराम से चले जाएगी नीचे तक आपको मिल जाएगा। मतलब जब लगता ना कि हिम्मत टूटती और कोई ऐसे मिल जाता। थैंक यू सो मच भाई। अभी देखो रस्सी वस्सी गाड़ी बांधते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं, और बढ़िया से गाड़ी यहाँ से निकालनी है कुछ भी करके। भाई जी से देखो बात हुई है, तो शायद भाई जी रस्सी का जुगाड़ कर रहे हैं फोन ऑन करके, हो सकता है। तो देखो मैंने और इलियास भाई ने रस्सी ले ली है, ये रही 1 किलो है। यस भाई, 1 किलो रस्सी भाई ने ले लिया। थैंक यू सो मच इलियास भाई। मेरे पास पता है, मेरे पास कैश नहीं था, भाई ने कैश दिया कि नीचे जाके हम गाड़ी से भाई को कैश दे देंगे। फंस गई उनकी भी यार, फंस गई। कहाँ निकल, बिना खींचो यहाँ से, खींचो वहाँ से, खींचो। ये दोनों टायर में कर लेंगे, एक में होगा बस। तो अभी देखो बहुत सारे भैया लोग हमारे आ गए हेल्प करने के लिए यहाँ पे फिलहाल, तो रस्सी तो हमने लगा दी जितनी बांध सकते थे। भाई लोग देखो, अभी इलियास भाई ने बहुत हेल्प कर दी है। अब ये वाली जो गाड़ी है ना, ये देखो ऊपर चली गई थी, फिर दोबारा आ गई फंस के, तो इनको हटवाना है अपना, ताकि वो खड़ी है पीछे सफारी वो वहाँ से आ सके, तो इनको हटवाना पड़ेगा, एक बार ट्राई मारना पड़ेगा। तो देखो रस्सी ये वाली लगाई हुई है, सफारी चढ़ा रहे हैं अभी। भाई सफारी ले गई यार, सफारी निकल गई। इधर देखो पीछे दो फॉर्चुनर फंसी हुई हैं, लेकिन सफारी एक हमने दोनों में स्नो चेन लगा रखी है, वो तो नहीं निकल पाई, उनमें वेट ज़्यादा है, बट अपनी सफारी निकल गई रस्सी लगाने के बाद। भाई मज़ा आ गया। तो देखो फाइनली इलियास भाई को अलविदा करते हैं, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू यार, इन्होंने बहुत हेल्प कर दी। तो गाइस बाहर का टेम्परेचर अभी देखो इस टाइम पे -2.7 -2.8 के आसपास है, और भाई साहब सब कुछ पहली बार इस मीटर में माइनस देख रहा हूँ। तो अभी का अपडेट ये है, देखो सफारी निकल गई है, आप लोगों ने देख लिया, पता है जितनी बार सफारी में बैठ रहा दिल जीत लेती है, पता है इतनी सही निकली है मक्खन, क्रेडिट जाता है इनको, ठीक है। इलियास भाई को देखो, उनको तो है ही, वो तो भाई मत पूछो, उनके लिए जितने वर्ड्स उतने कम है। मैं तो हर बार यहाँ जब भी गुलमर्ग आना होगा ना, स्पेशली फोन करके उस बंदे से मिलूंगा, सच में बता रहा हूँ, फरिश्ता टाइप बन के आ गए वो। कहते कश्मीरी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बाकी उन्होंने बहुत हेल्प करी बंदों ने, कहता कि गाड़ी 4x2 है लेकिन कर जाएगी। तो एक चीज़ हमने सीख ली आज कि 4x4 की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर स्नो चेन है तो जो आपका प्रेशर है टायर का रहा कितना 20 एक्चुअली वो भी काम नहीं कर रहा ठंड में। हाँ, स्टैनले का जो प्रेशर गेज है ना, प्रेशर गेज भी काम नहीं कर रहा, तो अंदाजे से आप टायर थोड़ा फ्लैट कर लो,
और उस पर अगर ठीक ठीक 20 के आसपास 25 के बीच में हवा कर लो और उस पर स्नो चेन अगर आपके पास है तो 4x2 गाड़ी बड़े प्यार से 25 से 27 तक ले आया है। हाँ तो 27 के आसपास हमने प्रेशर एयर प्रेशर कम किया तब ग्रिप मिली है इसमें। अभी फिलहाल हम निकल गए हैं, एक गो में निकाल दिए सफारी। अब आज शिकारा पे जाने का प्लान है तो ठंड बहुत हो रही है, -3 टेम्परेचर बाहर है, एकदम हाथ पैर सुन रहे हैं, बट ठीक है गाड़ी में गर्म हो गया। अब पहुंचते हैं शिकारा। जमना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया है। तो ये रही शिकारा जिसमें हम आए। हम सो सॉरी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इतनी बुरी हालत थी ना, हम मतलब इस पर इतना पैक होके बैठे थे कि हिल भी नहीं सकते। तो शिकारा यहाँ छोड़ेंगे। तो ये है हमारे साजिद भाई, थैंक यू सो मच, इनका है शिकारा। अब ये देखो कुछ ऐसा है अंदर से एंट्रेंस, ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं भैया आपकी लैंग्वेज, बुखारी बोलते हैं, बुखारी सिगड़ी, और इसलिए बुखार वाले लोग हमेशा, हाँ जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसके बाद अंदर चलते हैं और ये पूरा हमारे ये मैंने ऑन करके रखा है सर। ओके, तो भैया ने ये ऑन कर दिया है, थैंक यू सो मच। इलेक्ट्रिक ब्रैकेट्स भी इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑन करके ये देख लीजिए, आप हाथ लगा के देख लीजिए। ओके, तो ये है गरम, वाओ। तो ये है इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जो इसमें लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, उसमें भी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट टांगने के लिए अलमारी। ओके, ये रहा, और ये रहा इसका वॉशरूम। नाइस, टॉयलेट पेपर सोप वोप सब लगा हुआ है। नाइस, तो मतलब फॉर अ बोट इट्स वेल मेंटेन्ड, नाइस। इसके अलावा एक और रूम भी है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, वो भी दिखा दीजिए आप। और ये है दूसरा रूम, ये यहाँ पर भी हीटर ऑन करके रखा है मैंने, ठीक है। और ये रहा इसका इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, ये भी अभी गर्म हो गया है। Nice. ऐसा ऐसा इससे भी ज्यादा हीट हो जाएगा। अच्छा, आपको लास्ट में इसका मैं बता के रखता हूँ आपको, जैसे अभी मैंने इसको हाई मोड पे लगा के रखा है, इसके बाद आपको लो पे रखना है। Okay. उसके बाद भी ज्यादा गर्मी होगी तो ऑफ कर देना, ऑफ कर देना। और ये हीटर भी इंशाल्लाह आपको रात भर चालू रहेगा सर। वेरी नाइस, तो देख रहे हो आप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जो भी है सब, ये सेकंड बाथरूम है हमारा जी सर। तो ये दूसरा बाथरूम है, गर्म पानी ठंडा पानी जो भी सर्व होता है यहीं पे होता है, वो अब मैं आपको डेमो बाद में दिखाता हूँ कैसे क्या आता है सर। ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया भाई, गर्म पानी मिल जाएगा ओपन, आराम से यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा सिगड़ी इस पे गिर गया था। ओह, ये कब हुआ? अब ये 2.5 महीने पहले ये इंसिडेंट हुआ, 2.5 महीने पहले का ये पूरा, ये गिरा कैसे? एक्चुअली इसने फायर पकड़ लिया था, वो एक बंदे ने, हम इसको केरोसिन से स्टार्ट करते थे, एक अनाड़ी बंदा था कस्टमर, तो उसने इसमें पेट्रोल छिड़क था। ओ, पेट्रोल तो बहुत गंदा चलता है, बहुत उसको पता है, उसने मतलब दिखाना आप एक बार, मैं दिखा भी देता हूँ, देखो कितना रिस्की है। ये तो पूरा ऊपर 2.5 महीने पहले हुआ है, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा यहाँ तक है और फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद तो मतलब आप यहाँ खड़े थे पास में, एकदम से हो गया वैसे? मैं बाहर था तो हाँ। उसने मतलब चलाने की आवाज आई, हाँ। तो अंदर आ गया तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा आग ही आग पकड़ रहा था, उसके बाद खुदा ना खास्ता ये पूरा जल जाता, हाँ। तो आपने रोका, इसको ये उठता है यहाँ से ओपन होता है, मैं इसको बाहर लेकर गया पूरा ये आग। ओहो, तो आपने, अच्छा समझिए, आपने भैया बोला था ना, आपके रूल फॉलो कर रहे हैं भैया, आपने कहा था ना बिल्कुल बंद रखना, यही देख रहा हूँ ना कि इन्होंने मेरे को ये गेट से गेट आउट कर दिया। देखो आज जो है इवनिंग में हम लोग बाहर खा के आ गए थे गुलमर्ग से आते टाइम, तो डिनर विनर हो गया है। फिलहाल हूँ मैं अभी हाउस बोट पे, वापस सोने जा रहे हैं मस्त। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट नीचे हो गया बढ़िया गर्म, जो भैया ने दिखाया था। तो बस अभी देखो कुछ खास है नहीं दिखा रहे को, मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर हम लोग बैठे बुखारी पे बैठे इन्जॉय किया। अब सुबह उठ के आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ बढ़िया वाला, कि बाहर है क्या क्या, सुबह कैसा लगता है, और जो भी कल का होगा, कल शायद हम बोटिंग पे भी जाएंगे, पूरा जो आसपास का मार्केट है जो डल लेक में बना हुआ है वो बोटिंग के थ्रू हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो कल सुबह आपको वहाँ मिलता हूँ, और अभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियोज चाहते हो तो शेयर कर देना। तो टिल द टाइम वी मीट यू अगेन इन डल लेक विद बोटिंग, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। So